नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम हरिचरण सैनी, कस्बा रावगढ़, जिला गुना मध्य प्रदेश। मैं प्याज की खेती करता हूं। इसमें कुकड़ा रोग लग रहा है। कुकड़ा रोग की रोकथाम के लिए मैं रोगर दवा का इससे स्प्रे कर रहा हूं। इसके स्प्रे से जो है कुकड़ा रोग समाप्त हो जाता है। प्याज की खेती में जो कुकड़ा आता है थ्रिप्स के कारण आता है, और इसके लिए आप देखो, मैं बताता हूँ, आप देखो इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है कि इसमें जो है बारीक बारीक धब्बे से पड़ जाते हैं और ये पत्तियाँ सूखने लगती हैं। इस तरह की ये पत्तियाँ सूख जाती हैं, तो इस पर अपन रोगर का स्प्रे करने से ये बिल्कुल देखो इस तरह की पत्ती कंप्लीट दूसरी निकल जाएंगी और इसका रोग समाप्त हो जाएगा। यदि फसल पर अगर अपन स्प्रे नहीं करेंगे तो इस तरह आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सूख जाएगी और फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसमें फिर बिल्कुल कंद वगैरह नहीं पड़ पाएंगे और फसल जो है पूरी जल जाएगी। इसलिए इस पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो थ्रिप्स और जो रोग आते हैं इसके लिए स्प्रे बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सूख गई हैं पत्तियाँ, इस तरह से सूख सूख कर पूरे पेड़ जो है समाप्त हो जाएंगे। ये हमारे क्लब्स हैं, दवा डालने से पहले हमको ये मोजों का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर इसके बाद मौके लगाना चाहिए। जी हमारा पंप है, इसमें 15 लीटर पानी, ये पानी डाल दिया इसमें। सब्जी की फसल में अपने लिए दवा का स्प्रे करना हो तो 6 पंप दवा 1 बीघा में कम से कम डालना चाहिए और हवा की विपरीत दिशा में अपने दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि अपने शरीर पर दवा न गिरे, उससे बचना चाहिए। ये अपनी दवा है, इसका व्यापारिक नाम रोगर है, लेकिन जिसका टेक्निकल डाइमिथियोट 30 EC ये डालना चाहिए, डाइमिथियोट होना चाहिए। ये हमारा दवाई का माप है, इसमें ये यहाँ से 30 ml डालना है। इसमें ये रोगर दवा है, इसमें 30 ml एक पंप में डालना है, ये दवा मिलाना है इसमें। यहाँ तक ये 30 ml का ये इसमें दवा डालना है एक पंप में, तो इसमें ये 30 ml, ये हमारा 60 ml का माप है, इसमें ये 30 ml हमने जो है दवा मिला ली, इसको ऐसे डालना है। इसको फिर हम अच्छे से इस छड़ी के द्वारा घोल लेंगे, इसका अच्छा घोल तैयार हो जाएगा, इसके बाद में स्प्रे किया जाएगा। ये घोल तैयार हो गया, अब चलो छिड़काव करने चलते हैं। तो इसमें कुकड़ा रोग लगा हुआ है, इस पर इस तरह का अपने लिए छिड़काव करना है, तो इससे ये थ्रिप्स, जैसे को देसी भाषा में अपन कुकड़ा बोलते हैं, इस तरह छिड़काव करना चाहिए जिससे कि पूरे पेड़ पर आसानी से दवा आ जाए। ये थ्रिप्स लगने पर 15 दिन के अंतराल से जो है अपने स्प्रे करना करते रहना चाहिए, इससे इस पर फिर थ्रिप्स जो है मर जाता है और फसल अपनी हरी भरी बनी रहती। दवा छींच कर वह आपको बताया, इस तरह आप भी जो है दवा का स्प्रे करके और समय समय पर पानी देना और समय समय पर उसकी देख रेख करना, उसकी निराई गुड़ाई करना, तो इससे आपको क्या है कि फसलें बहुत अच्छी उपज फिर देगी, इससे आपको बाज़ार भाव भी अच्छा मिलेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। धन्यवाद। जय श्री।